तो हे गाइस, वेलकम बैक टू IndianCoding.com। सो आज के लेक्चर में हम बूटस्ट्रैप फॉर्म इनपुट के बारे में देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमें फॉर्म के बारे में देखा था, आज फॉर्म के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक डिव बना लेते हैं फॉर्म ग्रुप का। डिव इसकी क्लास दे देंगे फॉर्म डैश ग्रुप ग्रुप। एंड यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे लेबल, लेबल लिखेंगे फॉर फॉर नेम इंडिया नेम। देन इनपुट, लेबल के बाद इनपुट लिखेंगे इनपुट। टाइप दे देंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्योंकि नेम क्या होता है टेक्स्ट में होता है, नेम इसका नेम ही होगा। क्लास इसकी फॉर्म डैश कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल। आईडी इसकी दे देंगे नेम ही दे देंगे आईडी भी। सेव कर देंगे तो एक इनपुट टाइप होता है ये टेक्स्ट, आप देख सकते हैं टेक्स्ट भी। ये सारे इनपुट टाइप वैसे तो HTML में भी पढ़ा चुका हूँ, बट यहाँ भी पढ़ा देते हैं। मेन मेन पढ़ा रहा हूँ टेक्स्ट। देन आता है हमारा पासवर्ड, लेबल फॉर पासवर्ड। पासवर्ड का टाइप भी पासवर्ड रखना होता है, क्यों रखना होता है पासवर्ड मैं आपको बताऊंगा अभी। टेक्स्ट नहीं रख सकते हम उसका टाइप, पासवर्ड रखना होता है। कंट्रोल एस से ब्राउजर में जैसे ही जाएंगे रिफ्रेश करेंगे देख सकते हैं नेम, यहाँ पे नेम लिख देता हूँ मैं इंडियन कोडिंग। पासवर्ड देखिए, टेक्स्ट लिखेंगे तो नॉर्मल टेक्स्ट लिखा आ जाता है यहाँ पे, बट यहाँ टाइप पासवर्ड दिया तो यहाँ सब डॉट 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 आएंगे ऐसे ऐसे ही। एक और होता है हमारा, दैट इज टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया को कैसे लिखते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। टेक्स्ट एरिया, लेबल फॉर टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का हम लिख देंगे कमेंट्स। देन टेक्स्ट एरिया इनपुट टैग में नहीं लिखते हम, टेक्स्ट एरिया का अलग से टैग होता है, दैट इज टेक्स्ट एरिया टैग, टेक्स्ट एरिया। अभी मैंने क्लास नहीं दी फॉर्म कंट्रोल तो यहाँ शायद आएगा भी नहीं। ये देखिए यहाँ अभी ऐसा नॉर्मल सा आ गया, स्टाइल नहीं हुआ, बट अब मैं इसकी जैसे ही क्लास दूंगा फॉर्म कंट्रोल, ब्राउजर में जाऊंगा रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए फॉर्म की तरह नॉर्मली आ गया ठीक से टेक्स्ट एरिया। इसकी रोज 5 कर देता हूं मैं। इसका हम साइज कैसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, रोज और कॉलम सेट करके। तो रोज 5 कर दी एंड आईडी दे देंगे टेक्स्ट एरिया। वैसे आईडी का अभी कुछ फायदा नहीं है, बट जनरली हम जब फॉर्म बनाते हैं तो हम आईडी एक्सेट्रा देते हैं। तो देखिए अब बड़ा हो गया रो 5 करके, तो देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बूट चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्स कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। चेक बॉक्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले लेबल तो देना ही होगा एज इट इज। तो लेबल ले लेंगे सबसे पहले यहाँ से, इनफैक्ट 3 लेबल आएंगे यहाँ। तो सबसे पहले एक डिव बनाना पड़ेगा, डिव इसके लिए अलग से एक डिव बनाना पड़ेगा फॉर्म वाले डिव के अंदर ही। क्लास देंगे चेक बॉक्स, क्या देंगे क्लास चेक बॉक्स, एंड यहाँ लेबल दे देंगे लेबल। इसके अंदर ही लेबल के अंदर इनपुट आता है चेक बॉक्स में, इनपुट टाइप देंगे चेक बॉक्स एंड वैल्यू कुछ नहीं देंगे, इसकी नेम कुछ भी नहीं देंगे अभी चेक बॉक्स। देन यहाँ लिख देंगे ऑप्शन 1, ऐसे कॉपी कर लेंगे पेस्ट ऑप्शन 2, देन पेस्ट ऑप्शन 3। जनरली हमें यहाँ वैल्यू भी लिखनी होती है ताकि जब हम PHP और JavaScript यूज करें तो हम ये वैल्यू वहां पे लिख सके। तो वैल्यू जैसे कि यहाँ पे दे देंगे ऑप्शन 3,
ये वैल्यू भी लिखनी होती है जनरली, ये वहां पे यूज होती है जावास्क्रिप्ट और पीएचपी में, बट फ्रंट एंड में हमें वैल्यू का कुछ पता नहीं लगता। तो देखते हैं सेव करके चेकबॉक्स कैसा दिख रहा है। तो देख सकते हैं तीन ऑप्शन आ गए हैं, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री। चेकबॉक्स में हम तीनों सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी इनलाइन है ये चेकबॉक्स, बट चेकबॉक्स डैश इनलाइन भी लिख सकते हैं हम, तब भी वैसे तो ऐसे ही रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये इनलाइन ही है एक कंटेनर के अंदर। ये देखिए ये ओवरलैप इसलिए कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर क्योंकि यहाँ मैंने वैल्यू लिखूंगा एम्प्टी तो नहीं करेंगे ये। यहाँ पे भी एम्प्टी, तो ब्राउजर में जाएंगे रिफ्रेश करेंगे। एक तो ये इसी कंटेनर के अंदर है समझ गया मैं, क्योंकि हमने उसी कंटेनर के अंदर चेकबॉक्स बना लिया इसलिए वो ओवरलैप कर रहे हैं। इसको मैं बाहर बनाऊंगा डिप के बाहर तो ओवरलैप नहीं करेंगे वो। ये देखिए अब ठीक हो गए, ये इनलाइन हटा ही देते हैं हम, इनलाइन से दिक्कत हो रही है तो कई बार कुछ ठीक है चलती नहीं है स्टेप की, बट आप टेंशन ना लीजिएगा। देन ऐसे ही रेडियो बटन भी आता है हमारा, डिप क्लास इज इक्वल टू रेडियो करके चेकबॉक्स की तरह ही आप रेडियो खुद से करिएगा, देन सिलेक्ट आता है सिलेक्ट और रेडियो। सिलेक्ट भी इजी होता है, सिलेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्ट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ लिख देता हूँ डिव क्लास इक्वल टू फॉर्म ग्रुप, नया फॉर्म बना लेंगे या लेबल दे देंगे, लेबल फॉर SEL वन सिलेक्ट वन सिलेक्ट लिस्ट, देन इसके बाद यहाँ पे आएगा सिलेक्ट टैग सिलेक्ट, इसकी क्लास होगी फॉर्म कंट्रोल, देन सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन आएंगे ऑप्शन ओपीडी वन, टू, थ्री, फोर, चार ऑप्शन आ गए। यहाँ पे हम सिलेक्ट के आईडी भी देंगे SEL वन, ब्राउजर में जाएंगे रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए सिलेक्ट लिस्ट आ गई है चार की। रेडियो बटन आपको इनके जैसे ही बन जाएंगे रेडियो बटन, वो आपका टास्क है आप करिएगा, बस ऊपर कुछ नहीं करना, आपको क्लास रेडियो करना है, इनपुट टाइप भी रेडियो करना है उसमें। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस लेक्चर, आई होप यू गॉट ऑल द बूटस्ट्रैप फॉर्म इनपुट एक्सप्लेन्ड इन दिस लेक्चर। स्टिल इन केस ऑफ एनी क्वेरी और डाउट यू कैन पुट दैट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।